Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जब इंसान निकाह करे तो अपनी बीवी के साथ उल्फत और मोहब्बत का मामला रखे, और जब उसका निकाह हो तो पहली रात या जब पहली बार मिले उसको कुछ तोहफा या कुछ खाने की चीज दे, ये सुन्नत से साबित है। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, और अस्मा बिनत यजीद जो है रजी अल्लाह अन्हा इसकी रावी है, वो कहती है और फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को मैंने ही तैयार किया, मैंने ही आपको सजाया, मैंने ही आपको तैयार किया। जब मैंने आपको तैयार किया और उसके बाद ये कहलवा भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आयशा तैयार है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, आपको एक दूध का प्याला दिया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले से दूध पिया और फिर उस प्याले को आयशा की तरफ बढ़ा दिया रजी अल्लाह अन्हा। आयशा ने, वो फरमाती कि थोड़ा उनको शर्म आई, झिझक महसूस हुई, तो आपने इनकार कर दिया। अस्मा कहती है कि मैंने गुस्सा किया और उन्हें डांटा और कहा रसूलल्लाह दे रहे हैं ना, फिर तुम क्यों नहीं ले रही हो, तो उन्होंने उसको लिया और थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग भी पियो, और भी औरतें बैठी थी, चूंकि आयशा रजी अल्लाह औरतों में थी और जाहिर सी बात है वो औरतें पर्दे में थी, तो कहा तुम औरतें भी पियो, ठीक ठीक है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले पी लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। फिर रसूलल्लाह ने दूसरी बार फिर पिया, उसको पीकर जो आपने फिर औरत जो अस्मा रजी अल्लाह अन्हा को दिया, वो कहती है कि मैंने वो गिलास लिया और उसको मैं पलटाने लगी, घुमाने लगी, ताकि मैं भी वही होंट लगाऊं जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंट लगाया था। स्टॉप पायलट साहब, अच्छा बात सुने, ये इस तरह ना है जैसे वो नहीं होता, सास भी कभी बहुत ही सीरियल चल रहा है, कैमरा लगा हुआ है ऊपर, डायरेक्टर कह रहा है कि इस एंगल से लेना है, उसके जेल में क्या ख्याल आया वो भी कैप्चर करना है, क्या क्या झूठ इन्होंने घड़ रखे हैं, और इनको कुरान में पता नहीं है आपने कहा कि किस कहां लिखा हुआ पड़ा था, इनको इन बातों को जब कैसे डिटेल में पता है। सच वाले ये सारी कहानीगिरी है बाद में इन्होंने शुरू की है। और दूसरी बात ये कि एक मासूम बच्ची को आप एक इतना बड़ी उम्र का आदमी प्याला दे रहा है, तो वो तो वैसे ही बेचारी घबराई हुई है कि ये बंदा घबराई हुई और क्या होगा जी, वैसे बेचारी गुड़ियों के साथ खेलती रही और अचानक उसको प्याला दे दिया गया, वो क्या करेगी, शर्माएगी नहीं, क्या करेगी, छोटी सी बच्ची है कि ये अब्बा जी मुझे प्याला क्यों दे रहे हैं, वो तो घबरा गई होगी जी। ये तो ये क्या कहानियां सुना रहे हैं लोगों को, ये कहानियां भी देखे क्या मजे लेके सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग ड्रामा देखते हैं तो हम भी अपना एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, तो और कुछ नहीं, ताकि लोग जो एंजॉय करें जी। चलिए अभी आगे क्या कहना चाह रहे हैं सचवाला जी, वो नहीं समझा मुझे, तो वो जो होंठ जहां हुजूर के लगे उसी जगह जो होंठ रखने वाली औरत है वो कौन है, ये मेरे नहीं समझ में आया, वो औरतों में से एक औरत है या अस्मा वो है, बीवियों अस्मा में से एक बीवी है? नहीं नहीं, जो अस्मा है असल में आयशा की बड़ी बहन साली, मतलब जी हाँ, इनकी बड़ी साली, इनकी जो है साली, तो बड़ी साली वहीं से पीना चाह रही जहां से हुजूर ने होंठ लगा के, जहां से हुजूर ने पिया है समझो, बराबर जो है कटोरे का कटोरे को घुमा के वो इमेजिन करके कहां पर जो है इनके होंठ लगे हैं वहीं पर इनके भी होंठ लगे हैं। देखिए बात यहां से शुरू हो रही है, चलिए आगे चले भाई। इससे पता चला कि सहाबा के साथ साथ सहाबियात भी कितना मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी, ये मोहब्बत का तकाजा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज को आप पसंद करें, जहां से आपने पिया वहां से पीना पसंद। तो वो कहती है मैं खामोशी से लोग ना देखे घुमा रही थी ताकि वहां से पीऊं, जहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया, उसके बाद जब मैं पी चुकी तो रसूलल्लाह ने दूसरी औरतों से कहा तुम भी पी लो, औरतों ने शर्मा कर कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं नहीं, आपने कहा कि देखो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, भूख और झूठ। वाह 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 वाह, हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते जी, आगे चलिए। पी लो पी लो, मतलब क्यों शर्मा रही हो, पी लो, तुमको भूख है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो तकल्लुफ में कि नहीं नहीं हमने पी लिया, कहा पी लो और फिर औरतों ने भी पी लिया, समझ रहा। तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपनी बीवी से मिले आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तो आपने कुछ दिया, मतलब खाने पीने की चीज, और ये भी रहमत का एक हिस्सा कि इंसान कुछ खिला पिला, बहुत से लोग कंजूस होते हैं कुछ खिलाते पिलाते नहीं किसी को, ना अपनी बीवी को ना बच्चों को ना किसी को। तो बहरहाल बीवी से जब पहली बार मिले तो कुछ खाने पीने का दे, कुछ भी हो सकता है आज के दौर के अंदर, आप मिठाई ले जा सकते हैं, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है जो मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने के लिए, और खाना पीना एक ऐसी चीज होती है जिसके करने से लोगों में आपकी तरफ मोहब्बत मायल होती है। आप देखिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं, किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, चलो ढाबे पर, चलो खाने पर, सर घर पे कब आ रहे हैं आप खाने के, तो प्रमोशन चाहिए आपको, ठीक। तो बहरहाल खाना एक वो है, तो यहाँ शरीयत ने कहा बीवी से भी उल्फत मोहब्बत करो, तो पहली बार जब आप बीवी से,
क्या बात है सच वाला जी, ये तो इंसानियत में किसी को नहीं पता थी ये बात, किसी को पता ही नहीं थी, सुनो ये होने के बाद ही पता चला। बात बिल्कुल नहीं बात है, बीवी से उल्फत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए जी, और पिटाई भी कर देनी चाहिए कभी कभी। हाँ अगर नहीं माने बात तो पिटाई तो करना है ना भाई, बात मान ले तो ठीक है, बात मान ले तो जो है उल्फत है, नहीं माने तो पिटाई है जी। न तो ये पिटाई का बताएंगे इसमें के नहीं बताएंगे? नहीं इसमें नहीं बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ खाली उल्फत और मोहब्बत की बात होने वाली है। हाँ अभी आगे बढ़े, ये वीडियो का टाइटल बोल देता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग पायलट साहब, कुछ सुहाग रात शादी की पहली रात मियाँ बीवी कैसे करें पाए, एडवोकेट फैज सैयद जी सर जी मिले तो, चूंकि हम बिस्तरी शुरू होती है इसी अमल के बाद, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ, तो खिलाए पिलाए कुछ दे, और ये कुछ भी हो सकता है, आपके इलाके समाज माहौल के अतबार से चीजें एक्स वाई जेड बदल सकती है, ठीक है बहरिया, तो कुछ ना कुछ करें। दूसरी चीज, जब बीवी से पहली बार खिलवत, खिलवत मतलब अलहदगी में जहाँ कोई आपको ना देख रहा हो, जब खिलवत में मुलाकात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब खिलवत में बीवी से पहली बार मिले, और ये अमल एक बार के लिए है सिर्फ जो मैं अमल बयान कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया कि जब मिले तो उस बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाह का नाम ले, और बीवी का जो सर का सामने का हिस्सा होता है बालों का, ठीक, उसको अपने सीधे हाथ से पकड़े, ठीक, सीधे हाथ से पकड़े, सामने का सर का जो बालों का हिस्सा होता है उन बालों को सीधे हाथ से पकड़े, ठीक है, लेकिन तकलीफ देनी मतलब पकड़ना, आप जाहिर से अगर जमे हैं तो हाथ रखे। बोलते बोलते उसको कुछ समझ में आ गया कि मैं क्या घटिया बात कर रहा हूँ। तो अच्छा अब्दुल हमीद साहब, मैं आपकी ट्रिक समझ गया हूँ। आपने ये जाना कि स्टॉर्म पायलट के पास वक्त नहीं है, तो इनको ऐसे मामले में ले जाओ कि ये यहाँ से निकल ना सके। आप जिधर जा रहे हो मुझे पता है, आप जिधर जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते स्टॉर्म पायलट, अब जा नहीं सकते आप जिधर ले जा रहे हैं, मैं समझ गया। नहीं नहीं ये मैटर ही ऐसा है, इसमें से प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, कमेंट में प्रोफेशनल करेंगे ना, पुराने खिलाड़ी है भाई ये मौलाना के, अभी अपने घरों पे जाके बाल खींच रहे ना हो ये देखकर, ने माथे के बाल जो है पकड़ लेना है अच्छा दबा के जी, लेकिन तकलीफ नहीं होना है समझना जी जी जी, उन बालों को सीधे हाथ से पकड़े, ठीक है, लेकिन तकलीफ देनी मतलब पकड़ना, आप जाहिर से अगर जमे हैं तो हाथ रखे, खुले हैं तो तकलीफ की बात तो खैर हदीस में नहीं है ना, अभी खाली पकड़ने की बात है जी। हम जाए इनो क्यों मजाक कर रहे, हाथ रख सकते बोल के, इनको खुद को अच्छा नहीं लग रहा ना, वो पकड़ने वाली बात घटिया है बोल के, जंगली बात है, क्योंकि हदीस में सिर्फ पकड़ने वाली बात है, लेकिन तकलीफ नहीं होना ये बात नहीं है, ये तकलीफ का जिक्र ये कर रहे हैं इसमें जी। अच्छा जब उन्होंने कहा ना कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, मैंने बोला ज़बह करने लगे अभी अभी से, लेकिन वो डायरेक्टर होशियार है बहुत, एकदम नहीं लेके जाना चाह रहा, देखना अभी वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ जी हाँ हदीस माता आपने पकड़ा, पकड़ लिया, क्या खोल भी सकते हैं इसमें क्या मसला, बहरहाल अच्छा। तो उसको पकड़े और पकड़ने के बाद अल्लाह का नाम ले और एक दुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ जो अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है, ये दुआ करे, और ये दुआ सिर्फ एक बार करना है आपको, जब आप खिलवत में पहली बार अपनी बीवी से मिलेंगे, हम बिस्तरी से पहले याद रखें, और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसके खैर का सवाल करता हूँ और जिस खैर पर तूने इसे पैदा किया उस खैर का सवाल करता हूँ, और फिर फरमाया अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलता अलैहि, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और इसके मैं पनाह मांगता हूँ तुझे तुझसे इसके शर से और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा किया है। तो बहरहाल औरत को शर पे पैदा किया, हाँ मतलब ये औरत को तो इंसानियत के दर्जे से ही उतार दिया इसने, ये अगर हरकत है क्या क्या बोलूं मैं। नहीं बात ये है कि औरत में खैर भी हो सकता है शर भी हो सकता है, तो दोनों से जो है मतलब खैर की दुआ की जा रही है, शर की शर से जो है पनाह मांगी जा रही है। ये तो औजु बिल्लाह मिन शैतान जैसा है ना सच वाला, बात यही है उसके सर के बाल पकड़ लिए, अब उसके बाद जो है ये दुआ मांग रहे हैं कि ये अगर खैर है तो इसके लिए दुआ है, अगर ये शर है तो इसके इसके लिए जो है पनाह है, और वो और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ है जी। जब जानवर को जो है ईद के दिन काटते हैं तो उसको भी जो है ऐसी पकड़ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं जी। जनाब आगे चलिए, ये एक बार दुआ करना है आपको, देखिए दुआ कितनी देखिए अहम और कितनी अच्छी है कि अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे इसकी खैर का, उस खैर का जिस पे तूने इसे पैदा किया है और उस खैर का जिसे पैदा किया और तुझे तुझसे पना मांगता है इसके शर से और जिस शर पे तूने इसको पैदा किया है, ये पहली बार आप करेंगे। उसके बाद अब जब हम बिस्तरी का
इरादा करते हैं तो उससे पहले आप एक और दुआ करेंगे। ये दुआ कॉमन है, हर आदमी को हर बार हम बिस्तरी से पहले ये दुआ कर कॉमन दुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ बिचारी 9 साल की है और फिर जो है ये हजरत हैं 54 साल के और ये दुआ करके जो है सर के बाल पकड़ के बिस्मिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सचाला जी, सचाला जी, वो बकरे को भी जुबा करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है ना? हाँ हाँ, उसको खिलाते हैं, प्यार करते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं, उसके बाद उसका नरखरा पकड़कर जो है छुरी फेरते हैं, ऐसा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, पूछ सकता हूँ? जी 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 भाई। सर ऐसा कौन पूछने को तो कुछ रहा नहीं भाई, सवाल की पूछना पूछने को कुछ भी नहीं रहा भाई। कि जब इंसान हम बिस्तरी से इरादा करे तो उससे पहले निकाह की रात जो है नमाज पढ़ना भी याद रखिए, ये अमल भी जो है सहाबा से मिलता है, सहाबा से मिलता है। ठीक, इसके ताल्लुक से एक रिवायत आती है कि मियां भी इकट्ठे नमाज पढ़े। एक जो है ताबईन फरमाते हैं, अभी साद उनका नाम था जो कि गुलाम थे, वो कहते हैं मैंने गुलामी की हालत में निकाह किया और उसके बाद जो है अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हुम को दावत दी, ये सहाबा को दावत दी बड़े बड़े। ये मेरे पास मेरी दावत वलीमा में जो है दावत मैंने दी निकाह की, वो मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख, जब तू अपने बीवी से करीब जा, करीब जाने का इरादा कर तो अल्लाह का नाम ले और ये दुआ कर जो मैंने पहले बताई। उसके बाद कहा कि फिर तू उसके साथ जो है 2 रकात नमाज पढ़ ले, तू आगे खड़ा हो और वो पीछे। याद रखिए, मर्द और औरत बाजू खड़े के नमाज नहीं पढ़ते, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो, तू आगे खड़ा रहे वो पीछे खड़ी रहे और तू 2 रकात नमाज पढ़ ले। और फिर फरमाया उसके बाद क्या करना है, तू बेहतर जाने और तेरी बीवी बेहतर जाने। तो सहाबा से अमल मिलता है, तो कोई शख्स चाहे तो ये अमल बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक है, कि वो जो है 2 रकात नमाज पढ़ सकता है। जब 2 रकात नमाज पढ़ ली बहरहाल, तो उसके बाद जो है अब हम बिस्तरी का वक्त आया। अगर वो उसका इरादा करता है तो सबसे पहले दुआ करे, ये दुआ बड़ी मशहूर और मारूफ है, सही बुखारी की रिवायत और बहुत सारी कुतुब हदीस में आती है। आप करें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम से आप शुरू करें, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना, ये दुआ याद रखें, छोटी सी दुआ, ये दुआ कर ले बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना, ऐ अल्लाह जो है हमें शैतान से महफूज रख। फिर ये औरत को शैतान क्यों कह रहा है सच वाला जी? नहीं, असल में औरत को नहीं कह रहा वो, लेकिन जो है कि ऐसे मौके पर जो है शैतान भी अपना काम कर जाता है। देखिए, आप जरा गौर कीजिए, मैं एक बार पॉइंट यहाँ पर जो है आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कहा जाता है कि अब ये हमबिस्तरी का अमल जो है होने वाला है, ऐन बराबर जिस वक्त जब होना है एग्जैक्ट उसी टाइम पर जो है ये दुआ पढ़ना है। वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा जन्निबिश शैताना व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो कुछ ये अब ये मेरे इस अमल के बाद जो औलाद होगी उसको भी शैतान से बचा, उसको भी शैतान से बचा। अच्छा, अब सवाल ये कहकर ये दुआ पढ़ के उसको जो है अपना काम शुरू करना है। इसी बात पर तो सारे आलम इस्लाम को, इस्लामिक वर्ल्ड को इस बात पर फख्र है, गर्व है कि इस्लाम वो दीन है कि जिसमें हर हर चीज को जो है मतलब एक जिंदगी का जाब्ते के तौर पर, एक सिस्टम ऑफ लाइफ के तौर पर जो है बयान कर दिया गया। तो ये सारी बातें जो है इस्लाम का हिस्सा हैं और फिर जो है मोमिनीन जो है ये सब कुछ करते हैं। तो लेकिन सच वाला सर, जब इस्लाम नहीं आया था और ये दुआ नहीं थी तब तो दुआ पढ़ी नहीं जाती होगी, तब तो हर बार शैतानी काम कर जाता होगा। अब समझने में क्या बात ये कि जो है ये दुआ जो है जो पैगंबर इस्लाम से पहले तो नहीं थी, पैगंबर इस्लाम जिस वक्त जो है वजूद पाए उस वक्त ये दुआ नहीं थी, तो इसलिए सारा मसला वहां का असल मसला वहां हो गया। जी वही मैं कह रहा हूँ। नहीं राज भाई, मुझे एक सवाल पूछना है सच वाला जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये दूध पीना पिलाना और ये माथे के बाल पकड़ना, माथे को चूमना और फिर नमाज और फिर ये दुआएं पढ़ना, इसकी कोई टाइम पीरियड है कि भैया ये सब काम आपने आधे घंटे में खत्म करना है, एक घंटे में खत्म करना है, ऐसे कुछ है? अरे बहुत माइनूट डिटेल है भाई, सब बताए उन्होंने, सब बताए उन्होंने, सब बताए। इसके बाद आ रहा है वो सारी डिटेल। अच्छा आगे चलिए भाई, आगे फरमाए वह जन्न भी शैतान मा रज़क़तना, और उस चीज को भी शैतान से महफूज रख जो तूने इसके जरिए रिस्क रखा है, और रिस्क यहाँ मुराद औलाद, मतलब अल्लाह मुझे और मेरी बीवी को शैतान से दूर रख और जो है मेरी औलाद को भी शैतान से दूर रख। देखिए इंसान जो है
यहाँ हमबिस्तरी कर रहा है, यहाँ अपने बीवी के साथ सोने की बात हो रही है, यहाँ सेक्स की बात हो रही है, उसके बाद भी यहाँ तालीम दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है नफ्स नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है लेकिन हवस के शिकार मत बनो। यहाँ भी अल्लाह का नाम लेके शैतान से पनाह मांगी जा रही है। देखिए इस अमल में भी कैसा पाकीज़ा और कैसा मुताहरा ये दीन है, याद रखिए। बहरहाल अब ये दुआ आपने की, ठीक है, अब दुआ ये हवस का क्या है इसमें सच वाला जी, अगर कोई इंसान आज दुनिया में बिना ये दुआ पढ़े कि अगर ये अमल कर रहे हैं तो सब हवस है। जी हाँ सारा हवस है, तो सारा हवस है और वो सच वाला जी है, वो सारी जो है बुराई है क्योंकि उसमें दुआ नहीं पढ़ी जा रही, उसमें अल्लाह की पनाह में अपने आप को नहीं लाया जा रहा है, तो शैतान अपना काम करेगा। अगर कोई दुआ पढ़ लेता है तो फिर शैतान वहां से भाग जाता है, नहीं तो शैतान भी साथ साथ इस काम में शैतान भी जो है साथ साथ रहता है। अच्छा एक सवाल है मेरा सच वाला जी, जब मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि ऐन उसी वक्त ये दुआ पढ़ने की क्या वजह है, तो उन्होंने साफ साफ मुझे बताया था कि अगर एक शौहर अपनी बीवी के साथ वो काम शुरू कर रहा है, यानी मतलब ये है कि वो एंटर कर रहा है, तो शैतान भी अपना एंटर करता है, तो मैं उस सोचने पड़ गया ये क्या अंदाज है भाई, ये क्या अंदाज फिक्र है, ये कैसी सोच है। वो उन्होंने ये जवाब दिया मुझे, उन्होंने यही कहा मुझसे कि शैतान तो भी जो है उसी टाइम पे वो भी एंटर करता है। तो सच वाला जी शैतान पहले भी कर सकता है बाद में भी कर सकता है, उसी टाइम क्यों कर रहा है ये, मैं आप कुछ इसमें कुछ लिखा है कुछ? नहीं देखें बाद में भी कर सकता है ना, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त कपड़े उपड़े हटा दिए गए, अगर कपड़े होते हैं तो शैतान जो है एंटर नहीं कर सकता, कपड़े हटा दिए गए तो फिर इनके साथ साथ वो शैतान भी एंटर करेगा। सच वाला जी नहीं तो उस वक्त बंदा उसको शैतान को तो मजे न लेने दे, बंदा कॉन्डम चढ़ा ले। और भाई उस वक्त तो आदमी को अपनी जो है मौत भी भूली होती है, तो अल्लाह को कौन याद करेगा। ये बकवास है, उस टाइम जो अपना आप एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है ना, तो उसमें हर चीज जो है जिक्र कर दी गई। सच वाला जी दीन और कौन सा है बताइए पूरी दुनिया में। सच वाला जी उस टाइम पे अल्लाह किसको याद होता है, अल्लाह तो इंसान अपने आप को भी भूला होता है, अंदर के जो काले कुत्ते भौंक रहे होते हैं वो तो खुदा को नजदीक भी नहीं आने देंगे। नहीं मगर अब देखिए कि ये यहाँ पर ये हजरत जो है यानी 54 साल के हैं और फिर 9 साल बच्ची पर जो है उतावले पड़ रहे हैं और फिर जो है ये तालीम दूसरों को जो है चूना लगाते हुए या जो है ट्रक की बत्ती के पीछे उम्मत को लगा दिए और खुद अपने सारे काम कर रहे हैं हजरत। सचवाला जी इसका मतलब शैतान भी मर्द है। हाँ, अरे शैतान मर्द है भाई, शैतान मर्द है। अच्छा आपको मालूम है, देखें शैतान और क्या क्या करता, मैं आपको बताता हूँ। हदीसों में आया है कि शैतान जो है यानी मतलब मोमिन के कान में पेशाब भी करता है। अच्छा मोमिन जो है अगर जब नमाज पढ़ रहा है एक रो में तो कहा जाता है कि बिल्कुल जो है वो एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर जो है खड़े होना है मस्जिद के अंदर, अगर बीच में कांधे से कांधा नहीं मिलाया गया तो बीच में जो गैप आ जाता है ना वहां पर शैतान आके खड़ा हो जाता है। अब अजीब अजीब शैतान है यार ये। सच वाला जी उसको गैसेस का भी प्रॉब्लम है, वो पाद मारते हुए भागता भी है। हाँ, वो पाद मारते हुए जो है भागता, उसको जो है उसके उसके साथ पता नहीं दाल ज्यादा खाता क्या है पता नहीं। अच्छा सच वाला सर नाक में भी तो रहता है ना, इसलिए तो नाक में पानी डाल के साफ करना है। हाँ नाक में भी रहता है, कान में पेशाब करता है। अब वो बहरहाल शैतान के बड़े बड़े काम बताए गए हैं भाई इस्लाम में, तो बहरहाल हमको जो है ये सब बातें जो है जाननी चाहिए। सच वाला जी ये मोमनों के हर सुराख में शैतान घुसा रहता है, ये समझ में नहीं ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि सालक घुसने का, एक तरफ बोलते हैं कि खून में घूमता है वो ब्लड में घूमता है, दूसरी तरफ बोलते हैं नहीं जी वो एंटर हो जाता है, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा जी। अच्छा दुआ की बात अच्छा हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है जो हमें समझना है कि जब शरीयत ने मर्द को इजाजत दी निकाह की और औरत के साथ हम बिस्तरी करने की, तो ये इजाजत को हाकिम और महकूम वाला रिश्ता नहीं है, मालिक और गुलाम वाला रिश्ता नहीं, समझ रहे आप बात। वरना होता ही कि जब ये मौका इंसान को मिल जाता है मर्द को पहली बार, तो वो बिल्कुल एक औरत को अपना शिकार समझता है,
हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो समझता है वो शिकार है और मैं आखा हूँ और ये भाई उसके सर के बाल पकड़ लिए, वो बेचारी मासूम नन्नी मुन्नी बच्ची है, वो बुढ़ियों से खेल रही है, वो वहां से उसको पकड़ के ला दिए, अब वो अमिया ने उसके उसके सर के बाल पकड़ लिए, अब ये देखें वो ये मतलब वो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, जरा सोचें। नहीं सर, सचवाला जी कंसेशन दिए ना, वो थोड़ा सा हाथ हाथ रख दो बोले, बाल निकालना अगर मुमकिन नहीं है मेकअप पूरा है तो हाथ रख दो बोले, इन्होंने दिए कंसेशन, हदीस में तो नहीं है। नहीं भैया ये कंसेशन इनकी तरफ से है ना, हदीस में तो सर के बाल पकड़ लिए इसने, ये बात आ रही है, क्योंकि यहाँ जो जिक्र हो रहा है आयशा को हो रहा है ना, भी तो आयशा के साथ क्या कुछ हुआ ये वो बता रहे हैं जी। तो कमरे में जाना है तो चाबुक हाथ में लेके लेकर जाना है, विप एक बड़ा सा कोई जैसे कोई लंडी है, अरे मेरे ख्याल में ये उस्मान जी से पूछना पड़ेगा, इनके धर्म में क्या वो चाबुक लेकर कमरे में घुसते हैं? हाँ राज, आप लोग तो चाबुक लेके जाते होंगे ना राज? हाँ चाबुक तलवार टॉर्चर के हथियार, नहीं नहीं हमें तो नहीं आता, हमें ये दुआ नहीं पता, तो हम जो है ना वो दूध का ग्लास, जो कोई जो है दुआ नहीं पड़ेगा तो शैतान उसके साथ है, ये बात याद रखें। दुनिया में जितने लोग जो दुआ नहीं पढ़ते शैतान अपना काम साथ साथ करता है। बिल्कुल सर, आप कितनों का दिल तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो समझता है वो शिकार है और मैं आखा हूँ और ये गुलाम है, मैं हाकिम और ये मेरी महकूम है, ठीक, और लिहाजा वो उस पर टूट पड़ता है जानवरों की तरह, अंदाजा लगाइए। अच्छा अच्छा जी, टूट पड़ते भाई सुहागरात में सब लोग। एक औरत के साथ अगर आप ये सलूक करेंगे जो आपकी बीवी और जिंदगी भर रहने वाली, शरीक हयात कहा जाता ना, बीवी शरीक हयात मतलब लाइफ पार्टनर है आपकी, पूरी जिंदगी आपके साथ शरीक रहेंगी, और अगर पहली रात आपके साथ ये बदतमीजी करेंगे कि आप बताएंगे कि मैंने निकाह खाली सिर्फ अपने हवस को पूरा करना किया, ठीक है, उल्फत और मोहब्बत एक चीज है, लव एक चीज होती है, कि लस्ट एक चीज होती है, इंग्लिश के अंदर उर्दू में जैसे कहते हैं एक मोहब्बत होती है और एक हवस होती है, तो हमें मोहब्बत की इजाजत है, हवस पूरी नहीं करना है हमको, हमें जो लव की इजाजत है हमको लस्ट। एक मिनट, माय गॉड, सचवाला सर का कॉमेंट चाहूंगा सर, ये निकाह जो है ये जिसकी चर्चा कर रहे हैं दर्शकों से अपने कहने वालों से, यहाँ पे ये इसको मोहब्बत समझाना चाह रहे हैं, क्या इसका मतलब मोहब्बत होता है निकाह का मतलब? नहीं, निकाह तो एक्चुअल जो है वो शरई एतबार से यानी इस्लामिक लॉ में ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है सुनो निकाह का, हालांकि लिंग्विस्टिकली देखा जाए तो निकाह का मतलब होता है सुराख डालना, निकाह का जो है जो एक जो जो, जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है सुराख डालना, तो अब ये इसको जो है सेक्स ही के माना में जो है ये आता है, मगर चूंकि वो कुरान में जिस अंदाज में इसको लिया गया वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम का है, ये कुरान में हमको कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। और मोहब्बत तो कहीं नहीं दिख रही मुझे सर इसमें, आपको मोहब्बत का जो खैर जिक्र ही नहीं है ना, अभी पूरे कुरान में जो है मोहब्बत का जिक्र ही नहीं है। अब ये जो कुछ कह रहे हैं बहरहाल जो है, चूंकि अब ये भारतीय हैं, यहाँ की जो है जो तहजीब यहाँ की तमद्दुन जो है से जो है ये से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो वहाँ का जो सहराई जो है जो मज़हब है उसको अपने यहाँ अपने लफ्ज़ों में इस तरह से जो है ग्लोरीफाई करके बहुत सॉफ्ट करके पेश कर रहे हैं, वहाँ तो जो है जंगजू जो है माहौल है, एक कबाइली अंदाज है रहने का रहन सहन का उनका, तो उसमें तो हर मामले में जो है आपको तशद्दुद ही मिलेगा ना, वहाँ जो है मोहब्बत उल्फत राफत का तो जो है सवाल ही पता नहीं होता, कहीं भी नहीं। नहीं मुझे इनसे इतराज़ है सचवाला जी, ये लाइफ पार्टनर क्यों बोल रही है कि जिंदगी भर का साथ है, हयात शरीक है और लाइफ पार्टनर है, निकाह का और शादी का मुसलमान के पास ये मीनिंग कहाँ से लिए इन्होंने? वही तो मैं बोलूं सर, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? कम से कम कुरान में निकाह को लाइफ टाइम के लिए बल्कि कहीं भी नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं आया निकाह का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भी हो सकता, अब ये हमने ऐसा समझ लिया है, हमें समझा दिया गया है कि ये लाइफ टाइम के लिए हमें ऐसा बताया गया है, मगर कुरान में स्पेसिफिकली ऐसा कहीं भी नहीं आया। तो सर आप क्या ये मानते हैं कि इन साहब को सच में नहीं पता, गलत फहमी में गुड फेथ में दूसरों को बता रहे हैं, या इनको खूब पता है दूसरों को बना रहे हैं? नहीं, बनाना तो इनका काम है ना, अभी किसी तरह से इस्लाम को ग्लोरीफाई करना ये हर एक स्पीकर का, हर एक आलिम का, तो हर एक मुबल्लिग का जो कुरान का जो है जो जो इस्लाम का प्रीचर होता है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ट्रेनिंग है, उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको किसी भी तरह से इस्लाम को खूबसूरत बना के पेश करना है,
उसमें जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां घपले हैं, उन पर पर्दे डालना है। ये तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। चुनाव सचवाला जी, उनके अल्फाजों का चुनाव ऐसा है कि इंडियन संस्कृति में रहने वाले जो मुस्लिम है, जो जन्म जन्मांतर वाला फिलोसॉफी को समझते हैं, उनको बिल्कुल अपील कर रही ना ये बात, लाइफ पार्टनर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बातें असल में इनकी तरफ से है ना भाई। लाइफ पार्टनर की बात कुरान में नहीं है, निकाह को लाइफ टाइम के लिए कुरान में नहीं कहा गया। ये हमें ऐसा समझाया गया है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लाइफ टाइम के लिए होता है, हमें ऐसा बताया गया, लेकिन कुरान नहीं बोल रहा ऐसा, कुरान ऐसा नहीं बोल रहा भाई। कुरान तो कह रहा है कि उसकी जो वेज है, उसकी जो मजदूरी है वो दे दो, तुम्हें जब निकाह करना है तो उसकी उजरत दे दो। जी जना, इंसान जाहिर सी बात है वही अमल कर रहा है जो लस्ट में होता है, लेकिन इसमें मोहब्बत के तकाजे के साथ कि ये मेरे अपोनेंट पार्टनर है, मेरी बीवी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना है, ठीक है, तो ये बात बड़ी है हमें समझना हमारे लिए। तो इंसान जो है जब अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करे तो इसको हाकिम और महकूम और जालिम और मजलूम वाला रिश्ता ना बना दे, बल्कि इसको मोहब्बत और उल्फत वाला मामला रखे। और हम बिस्तरी से पहले यहाँ पर ये हजरत जो कह रहे हैं कुरान में तो ऐसा नहीं है। कुरान साफ साफ कह रहा है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु अलैकुम बादुकुम मिन बाद, यानी कुरान ये कह रहा है कि मर्द जो हैं वो औरतों के ऊपर हाकिम हैं। कुरान ये कह रहा है, समझो, यानी मर्द ऊपर हैं, औरत नीचे है, और जो है मर्द अपनी अपनी इताअत करवाएगा, अपनी बात मनवाएगा, और औरत जो है उसकी बात मानेगी, समझे, यानी मतलब औरत सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे है, मातहत है, और मर्द जो है अपनी बात मनवाएगा। जी हाँ सच वाला सर, तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे ही ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल आता है या पार्लियामेंट कुछ करना चाहती है, तो यही मोहतरम और इन्हीं के जो भाई बंधु हैं वो सड़कों पे क्यों निकल आते हैं फिर, जबकि ये कहते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए मोहब्बत करो। नहीं नहीं देखें, वो जो ट्रिपल तलाक की जो बात है, चूंकि वो इस्लाम में ट्रिपल तलाक का है ना अभी, एक ये इस तरह की ऑप्शन है और मर्दों को ये इख्तियार दिया गया है, ये राइट है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर, मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि जैसे अभी ये साहब जनाब फरमा रहे थे कि भाई आप मोहब्बत करें, आप सामने देखते हैं बीवी को, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि इसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें इनसे कि ठीक है अगर आपके ऐसा मन है तो बहुत खुशी से आप इस चीज़ को कबूल करें, हमें खुशी होगी, तो एक काम करें कि ये जो तलाक तलाक वाली हिसाब है उसको हटा दें, जैसे ही हम ऐसा बोलेंगे तो ये दाना पानी लेके चढ़ जाएंगे, ये क्या मतलब दोगलापन है? क्योंकि तलाक का जिक्र तो कुरान में आ गया ना भाई, एक ने कई जगहों पर, और तलाक जो है मर्द देता है और औरत लेती है, औरत हमेशा उसका हाथ नीचे रहता है, वो लेने वाली है और मर्द देने वाला है, ये बात है। जी आगे चलिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के आसार, आसार मतलब सहाबा के अमल से पता चलती है, वो ये है कि ये लोग ये तो एक घर और आगे निकल गए, सहाबा के आसार पे ही जा रहे हैं, तो हदीस का प्रॉब्लम है और ये सहाबा के आसार जिंदगी में जा रहा है। और प्ले करते हम बिस्तरी से पहले कुछ बीवी से खेलते, और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का खुला इशारा आपने फरमाया, जब एक सहाबिया के अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत से निकाह किया लेकिन ये मुतल्लका है, मतलब इसकी शादी हो चुकी है और ये जवान थे सहाबी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने कुंवारी लड़की से क्यों नहीं निकाह किया, ताकि वो तुझसे खेलती और तू उससे खेलता। तो क्या अल्लाह के रसूल मेरी मजबूरी थी, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई मुझे मारो भाई, राज भाई मुझे मारो। अरे सर मैं क्या मारूं, मैं जहर ढूंढ रहा हूं, ये कितनी बेशरम इंसान है सर, कैसे मतलब तुझसे खेलती तुम उस, अरे ये एजुकेशन चाहिए किसको यार, ये रसूल बताते हैं, ये रसूल बताते हैं सर। नहीं, कहा जाता है कि रसूल जो है मुअल्लिम है, टीचर है उम्मत के लिए, तो टीचर जो है हर चीज जो है उम्मत को बताता है, ये कॉन्सेप्ट है ना असल में, ये कॉन्सेप्ट तो सच वाला जी, जो आप कबूतर नहीं कहते हैं, कबूतर कहते हैं उनको भी जरूरत नहीं इसकी, वो खुद सब जानते हैं क्या करना है। जाहिर बात है कबूतर को जरूरत नहीं है भाई, देखें बात वही तो है ना, देखें मजहब की जरूरत किसको होती है, जो हगना मूतना मुंह धोना नहीं जानता उसको जरूरत है। सही कहा। अब जो जानता है
उसको जरूरत नहीं है मजहब की। मैं यही बोलिए, ये बहुत भारी बहुत हैवी बात आपने कह दी सर। ये देखिए किसी को हगना नहीं आता तो अब जो है हगने का तरीका कौन सिखाएगा, किसी को मूतना नहीं आता मूतना नहीं आता तो उसको मजहब सिखाएगा ना भाई। अच्छा अब जो जाहिर बात है जिसको आता है उसको मजहब की जरूरत नहीं है, मैं यही तो कहता हूँ ना, मजहब की जरूरत उन बच्चों को है जो हगना मूतना और मुंह धोना तक नहीं बिल्कुल नहीं जानते। तो ठीक है भाई नहीं जानते तो बेचारे जो है वो आए हैं हजरत उनको मुंह धोना सिखाएंगे, कैसे जो है पेशाब करना है, ढेले जो है कौन से मौसम में कैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, ये सारी चीजें उनको बताएंगे, इसके लिए तो आए हैं ना हजरत जी। क्योंकि देखें और क्या कारनामा है जरा बताओ, और क्या कारनामा है, मतलब सर और कारनामा नहीं है इंसानों के आज के आज के वक्त में अगर लोग कहते तो ये कहते कि मतलब अब यही बच गया है कि आप मेरे से यही पूछेंगे बैठ के, और कोई काम नहीं है आपको। लेकिन यहाँ तो बहुत खुशी से बता रहे हैं कि आप मेरे से पूछिए ऐसे। ये भी हो सकता था कि किसी जमाने में शायद उनके अपने इलाके में जहाँ ये रहते थे तो उन लोगों को पता नहीं था हगने मूतने का, तो शायद उनको बताया गया, ठीक है। अब ये आज जो है हम 21वीं सदी में है भाई, आज भी वही मिसवाक और जो है आज भी वही नाक में उंगलियां डालना, आज भी वही खकार कर जो है बलगम निकालना, आज भी वही कुल्लियां करना, तो ये समझ से बाहर है कि आज भी इसकी क्या जरूरत है। आज तो इंसान समझ गया है ना, लेकिन जो मजहबी बच्चे हैं उनको तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले भी थी आज भी है, क्योंकि अभी भी बच्चे ही हैं वो बड़े नहीं हुए, बच्चों को तो ज़रूरत है मजहब की। जी जनाब आगे चलिए। छोटी बहनें हैं, अगर मैं कोई कुंवारी लड़की लाता तो वो मेरी बहनों की देखभाल बराबर से नहीं कर पाती। जब मैंने ऐसी औरत को लाया निकाह में जो मुतल्लका है, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिंदगी का, वो जिंदगी समाज में गुजार चुकी है, वो मेरी बहनों की अच्छे से तरबियत कर सकती है। इस हदीस से एक बात और पता चली, निकाह में बीवी लाया था या काम वाली लाया था? हाँ काम वाली लाया था भाई, उसको जो है बच्चों को पालना है, बहनों की तरबियत करना है, तो बहरहाल अब उसकी ज़रूरत ऐसी थी कि जो है वो जैसी ज़रूरत थी वैसा जो है, अब शायद हो सकता है अब ज़रूरत उसकी ये पूरी हो जाएगी तो बाद में बीवी भी लेके आ जाएगा, वो अभी आज की ज़रूरत उसकी ये थी। जी जनाब आगे चलिए। बहुत सारे मकासद इंसान रख सकता है निकाह के लिए, तो एक मकसद ये भी था उनका कि मोहब्बत के साथ साथ बच्चियों के लिए कुछ, मेरी बहनों के लिए कुछ ऐसी औरत आ जाए जो मेरी इनकी भाभी हो लेकिन एक माँ जैसा हो, तो जाहिर सी बात है कुंवारी लड़की ये सब नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन इस हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया तू उसके साथ खेल और वो तेरे साथ खेले, तो ये मोहब्बत जो है ये हम बिस्तरी से पहले इंसान फोर प्ले करे, खेले उससे, मतलब यार जो चीजों को अवॉइड करना चाह रहे राज भाई, ये इनो खुद वही चीजें बोले जा रही है। सर हम बच रहे हैं शर्म से, करना है ना जी, हाँ करना है ना, फोर प्ले तो जरूरी है। स्टॉम पायलट सर हम बच रहे हैं शर्म से, ये खोल खोल के बता, आप जो है थोड़ा सा इमेजिन करें हमारे स्टॉम पायलट जी। अच्छा जो है एक तरफ जो है चौपन साहब की हजरत हैं और एक तरफ नौ साल की जो है नन्ही मुन्नी बच्ची है और यहाँ फोर प्ले हो रहा है, आप थोड़ा इमेजिन करें। नहीं तो वो छोटों के साथ ही खेला जाता है ना, आपका ख्याल बड़ों के साथ खेला जाएगा? अब नौ साल दस साल की उम्र बच्ची जो है लड़की है उसी के साथ खेलना है, एक इतने पचास साल से ऊपर बंदा है और इनके अंदर पता नहीं शर्म नाम की कोई चीज भी नहीं है, इनको महसूस भी नहीं होता। अब ये बड़ी हैरानी की बात है। वैसे मेरा आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसीलिए वापस आ गया हूँ, दिल ये काफी एंटरटेनमेंट है इसके अंदर। तो आप खामखाम आप ये कह रहे हैं इस्लाम में दिल है कि मानता नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, आप खामखाम इस्लाम के बारे में कहते रहते हैं, काफी एंटरटेनमेंट है, मजे की बातें हैं इस्लाम के अंदर। मजे की बातें तो हैं, सही बात है, तब उसको राजी करे और मनवाए उस अमल के लिए, इसलिए कि ह्यूमन बीइंग जो इंसान होते हैं वो मैकेनिकल अमल नहीं कर सकते। मैकेनिकल समझते मशीनें होती, मशीनों का मामला होता है कि आपने जब बटन दबाओ मैकेनिकली शुरू हो जाती, लेकिन इंसान जो होते हैं वैसे मैकेनिकल नहीं होते, उनको जहनी तैयार होना पड़ता है, फिर जिस्मानी फिजिकल रेडी होना पड़ता है, उसके बाद इंसान कुछ आमाल कर सकता है। जैसे आपको किससे डील करना है कोई इंसान से, तो बहुत सारी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, ठीक है, उसके बाद कोई डीलिंग फाइनल तक पहुंचेंगे, सेम वैसे होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और बिलखसूस पहली रात में। ये मालूम था आपको स्ट्रॉन्ग पायलट पहले? ये जो असल में पता क्या है, ये हलाल इसको बोलेंगे पोर्नोग्राफी, मतलब सिंगल एक्स पोर्नोग्राफी चल रही है, तो इसीलिए इनके इतने फॉलोअर्स, इसीलिए यंग लोग होंगे इनके फॉलोअर्स, सुनने वाले होंगे, मजे लेते होंगे, उनको तो ऐसी बातें सुनने को चाहिए ना। और ये बातें ऐसी है कि वो भी दो किस्में हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं एक हलाल है एक हराम है? नहीं ये हलाल वाली है, ये हलाल वाली है, क्योंकि वो निकाह वगैरह हो रहा है ना,
उसमें फिर ठीक है, इस अलाउड, लेकिन है, फोर प्ले की बात हो रही है ना, मैंने कबूतरों को भी देखा है कि फोर प्ले करते हैं, उनको किसने सिखाया भाई? पॉइंट अब ये तो, ये इतनी डिटेल से जो बता रहे हैं कि ये प्रॉफिट ने सारा सिखाया लोगों को क्या? अब वो बता रहे हैं हदीस के हवाले दे रहे हैं समझो, तो लोगों ने बाद की बातें खुद बनाई, खुद बातें बाद की सारी बनाई हुई है उसमें, जी हाँ जी, उसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया ना, ताकि इस्लाम मुकम्मल लगे, पूरा दीन लगे आपको, और क्या जी, exactly. मैं तो आप खास तौर से इसको ये ना करें कि टूट पड़ने का मामला करें, बल्कि सुन्नत को लिहाज रखते हुए, शरीयत का लिहाज रखते हुए, इंसानी जहनियतों का लिहाज रखते हुए, सामने वाले फरीक की आपकी बीवी की उम्र का लिहाज भी रख सकते हो सकते, 6 साल या 9 साल का लिहाज रखने की बात कर गए, नहीं तो उस वक्त साच वाले जी, वो जो मौका होता है उस इंसान को, उस वक्त सुन्नत का ख्याल रहता है, वहां तो फर्ज भी आदमी को नहीं याद रहते, उस वक्त तो अल्लाह भी आ जाते, उसको बंदा कहता है आगे से हट जा आज, तो ये कह रहे हैं कि सुन्नतों का ख्याल करें और वो ख्याल करें, ये सारी बात ये है, देखिए बात ये है कि एक शख्स को लोगों को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, अब लगा गया, उसको जो करना था कर गया अभी, लेकिन हम लोग जो है ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े हुए हैं सर, ये उम्र का लिहाज कैसे बोल रहे हैं सर, उम्र का लिहाज, उम्र का लिहाज करना है भाई, 40 साल का और निकाह 20 साल से किया हो जायज है बिल्कुल, तो अब यहाँ समझना पड़ेगा उसकी उम्र का तकाजा कम है, तो जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं आप बात को, ये तमाम चीजें आप जो है जहन में इंसान रखें, तो फोर प्ले जिसको हम कहते हैं, आपने आपने एक बात नोट की है, बहुत ही पीछे पड़ा है यार ये, आपने एक बात नोट की है, उसने कैसे उम्र को, जो उसे पता है कि नबी की उम्र क्या थी, उसने कैसे तरीके से उसको नीचे लेकर आया, हाँ, इधर से ऊपर लेकर गया, उधर से नीचे लेकर आया, 20-40 कर दिया, ताकि लोगों के अंदर ये भी जहन में रह जाए और वो बात खुल के सामने भी ना आए, या कहता ना वह 50-52 का कहता और वहां दूसरी तरफ कहता कि 9 साल का फर्क, कहता ना इसको जूते भी पढ़ने थे, मैं फिर से उसको ले लेता हूं। उसके बाद कोई डीलिंग फाइनल तक पहुंचेंगे, सेम है, टूट पड़ने का मामला करे, बल्कि सुन्नत को लिहाज रखते हुए, शरीयत का लिहाज रखते हुए, इंसानी जहनियतों का लिहाज रखते हुए, सामने वाले फरीक की आपकी बीवी की उम्र का लिहाज भी रख सकते हो सकता है कोई इंसान 40 साल का और निकाह 20 साल से किया हो जायज है बिल्कुल, तो अब यहाँ समझना पड़ेगा उसकी उम्र का तकाजा कम है, तो जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं बात, तमाम चीजें आप बिल्कुल जो है जहन में इंसान रखे, तो फोर प्ले जिसको हम कहते हैं कि हम बिस्तरी से पहले कुछ ऐसी चीजें जिससे इंसान उस अमल की तरफ रागिब हो जो अमल उसको अब करना है, जो कि अल्लाह ने उसके ऊपर जायज करार दिया और वो मुबाह है उसके लिए करना, हलाल है उसके लिए करना, जिससे अपने आप को तस्कीन दे सकता, सुकून हासिल और इत्मीनान हासिल कर सकता, समझ रहे आप बात, तो फोर प्ले की बड़ी अहमियत है, इसके अंदर मुख्तलिफ यार 5-6 बार फोर प्ले के पीछे पड़ा चीजें हो सकती है, इंशाल्लाह आगे आएंगे तो उसमें मैं डिस्कस, अब्दुल अमीर साहब हमारा फ्लो फोर प्ले करा के छोड़ेगा मेरे ख्याल में, ये लोगों को इसीलिए जो है ना लोग इसीलिए बस कर दे, आप बस कर दे, हमारी उम्र वाले भी इस उम्र में जाग जाते हैं इतनी बार सुन के, हाँ जी सर, पगले ऊपर से लेकर नीचे तक रुलाएगा हमें क्या दूसरी चीज ये कि दोनों का इस अमल के लिए राजी होना जरूरी है, हम इस तरीके दोनों का इस अमल के लिए राजी होना जरूरी याद रखिए, इसलिए कि ये कोई वन साइड मामला नहीं, और मर्द के राजी होना, वो सफिया राजी हुई होंगी क्या स्टॉर्म पायलट जी, वो नहीं नहीं जी उसी दिन उसके शौहर का कत्ल किया, उसके बाप का कत्ल किया, और शायद राजी नहीं हुई थी, जी हाँ कैसे राजी होती बेचारी, जहरीली राजी हुई थी क्या, 6 या 9 साल के बच्चे राजी हो सकते हैं क्या सर जी, उसको राजी कैसे किया जाए, कंसेंट दे ही नहीं सकता 9 साल का बच्चा तो, यही बात ना, ये बिल्कुल वाजे होता है, लेकिन औरत राजी है नहीं राजी है ये वाजे नहीं होता है, मर्द इस अमल के लिए राजी है वो जाहिर है उसकी जिस्मानी कैफियत और उस, ओहो ओहो हो, अच्छा देखिए यहाँ पर ट्रिक बताई जा रही है, ट्रिक जी, नहीं नहीं मर्द अगर राजी हो गया तो वो दिखाई देगा ना उसका वजू, दिखाई देगा उसका कि वो राजी हो गया, मतलब अब ये औरत का समझ में नहीं आएगा बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजिकली गलत है, ये बायोलॉजिकली गलत है सर, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड सर, बायोलॉजिकली दिस इज बायोलॉजिकली फैक्चुअली इनकरेक्ट, क्योंकि बार्थोनियन ग्लैंड्स जो हैं
अब आप मॉन्स प्यूबिस की बात करें, ओके, तो आपके पास जो बार्थोनियन ग्लैंड्स हैं वो आपकी लुब्रिकेटिव ऑयल्स एंड एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं फीमेल जेनिटेलिया में भी। ना आपको नहीं पता या रसूल को नहीं पता तो जरूरी नहीं है कि आज हमें नहीं पता। शुक्रिया। नहीं वो जरा मैं अब्दुल भाई से पूछ रहा था, डिटेल से समझाओ या पॉइंट उठाए थे ना आप कि मर्द का पता चल जाता है फीमेल का पता नहीं चलता, जरा मुझे समझाओ, मैं समझ नहीं पाया इस पॉइंट को। तो राजी इस अमल के, लेकिन जाहिर सी बात है औरत के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जिसे पता चल सके इस अमल के लिए राजी। समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक, तो जाहिर सी बात है दोनों की रजामंदी जरूरी, तो मर्द राजी औरत समझ सकती है, लेकिन औरत राजी मर्द समझ नहीं सकता उसके जिस्मानी एतबार से। तो उसको इस मामले में तैयार करना होगा, उसको इस मामले में पूछ सकते हैं आप, उसको इस मामले में उसकी भी हामी ले सकते हैं आप। और हामी उस कहां हर बार जबान से बोलना नहीं है, कुछ बातें आप समझ सकते हैं इस कहां की, समझ रहे ना, इंसान की आंखों के इशारे, जिस्मानी हवा जिससे इंसान समझ सकता है इसका माना। हाँ है, इस मामले में खवातीन से मेरी बिलखसूस दरख्वास्त है कि बहुत सारी औरतें मर्द तो राजी है उस अमल के लिए, चाहे पहले दिन की बात, जब हम आम बात कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिए। और ये हमेशा क़याम एतबार से भी और उस दिन के लिए भी खास भी, निकाह के रात भी और उसके बाद भी, कि औरतें जो है अपनी रजामंदी कभी अपने शौहर से इजहार करे। अगर वो ये नहीं करती तो बहुत सारे तलाक सिर्फ ये वजह बनती है, याद रखिए, कि वो कहता कि मेरी में से कभी राजी नहीं आज तक। अब्दुल भाई वो वॉइस कट रहा है, स्टॉप, नहीं नहीं स्टॉप करके फिर से शेयर करिए उसी स्क्रीन को, ठीक हो जाना चाहिए। अब्दुल भाई ऐसा लगता है कि वो फोर प्ले कर रहा था तो नेटवर्क की भी खटिया खड़ी हो गई। जी हाँ, बार बार फोर प्ले का जिक्र कर रहे थे वो, सही, गर्मी बढ़ गई है सर। अच्छा मैं अपने एंड से एक बार कोशिश करता हूँ, वो सर एक बार लिंक शेयर कर दें। तो मर्द राजी औरत समझ सकती है, लेकिन औरत राजी मर्द समझ नहीं सकता उसके जाहिर सी बात जिस्मानी एतबार। सही हो गया, सही हो गया, हामी सही हो ले गया। सकते हैं आप, और हामी उसका हाँ हर बार जबान से बोलना नहीं है, कुछ बातें आप समझ सकते हैं जिस कहाँ होती है, समझे ना, इंसान की आंखों के इशारे, जिस्मानी हवा जिससे इंसान समझ सकता है कि इसका माना हाँ है। इस मामले में खवातीन से मेरी बिलखसूस दरख्वास्त या नसीहत जो होंगी वो ये है कि बहुत सारी औरतें मर्द तो राजी है उस अमल के लिए, पहले दिन की बात जब हम आम बात कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिए। और ये हमेशा के लिए आम एतबार से के लिए भी खास भी है, निकाह के रात भी और उसके बाद भी, कि औरतें जो है अपनी रजामंदी का भी अपने शौहर से इजहार करे। अगर वो ये नहीं करती तो बहुत सारे तलाक की सिर्फ ये वजह बनती, याद रखिए, कि वो कहता है कि मेरी बीवी में से कभी राजी नहीं आज तक, उसने एक बार ही मुझसे जो मोहब्बत की बात नहीं कही या मोहब्बत के लिए खुद राजी नहीं हुई। तो औरतों को भी इस मामले में आगे हिस्सा लेना पड़ेगा बढ़कर, चूंकि ये एक ऐसी चीज है, बार बार जो है मोहब्बत का क्या जो है जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हालांकि कुरान में तो मोहब्बत नहीं है, कुरान में तो सेक्स की बात हुई है, निकाह की बात हुई है ना भाई। जी जी, अब ये मोहब्बत का जिक्र असल में जो है वो यानी यही अवेलेबल पब्लिक में उस चीज की एक सोशल वैल्यू है, ये जान करके उसको अपील कर रहे हैं, वो है नहीं वहां। जी, हालांकि मोहब्बत का लफ्ज तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जी, कोई सीधा साधा बंदा हुआ वो कैसे बाल पकड़ेगा, मेरे जैसा कोई सीधा आदमी हुआ तो वो कैसे बाल पकड़ेगा, वो तो चुप बैठेगा। नबी का हुक्म है भाई, आप के नबी का हुक्म नहीं मानते सर, हम लोग सब पड़ेगा, हम सब जान रहे हैं अशोक सर, सॉरी पाशा साहब, हम सब जान रहे हैं कि बेग यू पार्डन, हम सब जान रहे हैं कि आप जो बाल क्यों पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, उसके पीछे की अंतिम जो वजह है वो रहने दें। वो ओवर अभी स्टॉर्म पायलट सर का फोन ओवर हीट हुआ है, ऐसे क्या मेरा लैपटॉप का प्रोसेसर फ्राई हो जाएगा, समझ रहे हैं जी? नहीं रखेंगी तो मर्द के लिए, मैं माफ करना अल्फाज अगर मेरे सख्त लग रहे हो तो, लेकिन समझिए इस बात को, मर्द के लिए सिर्फ आप एक खिलौना हो जाएंगे, इसके अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहेगी। औरतों को धमकी है, ये धमकी औरतों को। जी जी जी, कि मतलब आपको एक जो मार्केट वाली कोई औरत जो रिझाने की अंदाज इख्तियार कर ली थी, वैसे मोड में रहना है आपको, रिझाने वाले अंदाज में। जी हाँ, रहना है, रहना। अगर आप उसमें नहीं है और आपका आदमी फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर हाँ, ये तलाक की वजह बनेगी, जान लो आप। तो इसमें मतलब गलती उनकी है ना। जी, चोरी चोरी 16 श्रृंगार करूंगी, वही बात है, गलती औरत की होती है, मर्द की नहीं होती। हज़रत रसूल क्या फरमा रहे हैं कि तू उस कुंवारी से निकाह करता तो वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। देखिए अल्फाज गौर कीजिए हदीस की, दोनों के लिए कहा, ये नहीं कहा कि तू उससे खेले, वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। होय होय होय,
क्या इसकी कबड्डी 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 यार क्या है यार क्या सच वाला जी सॉरी फॉर माय लैंग्वेज में तो अब हद हो गई है पूरे मतलब चलिए आगे चलेंगे यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि अगर कुंवारी होती तो वो तुझसे खेलती मतलब वो एक पार्ट बनती उस गेम का वो उस खेल के अंदर तेरी हिस्सेदार बनती शरीक बनती तो ये बातें ये ब्याही अब देखिए बहुत सी बार मैं समझता हूँ शौहर के साथ कमरे में रह के भी आप ब्याही का सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अब कोई तकाजे बाकी नहीं रहे यहाँ ब्याही और है कुछ नहीं है अब आपका शौहर है वो ये आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ औरतें अपनी रजामंदी का इजहार करें जो मुख्तलिफ तरीकों से वो कर सकती है याद रखिए मुख्तलिफ तरीकों से कर सकती जब ये औरतें इसमें लैक कर जाती है कमजोर पड़ जाती है तो मर्द को ऐसी औरतें पसंद आ जाती है जो इस तरफ इशारे करती है और मायल करती है जो बुरी औरतें होती है जो फहिशाएं होती है वो अपनी रजामंदी का कंटिन्यूस इजहार करते रहती है तो जब औरतें हैं जिनके लिए जायज अपने शौहर से जो काम करना तो क्यों नहीं वो अपने इजहार करती क्यों नहीं बता रही हो क्योंकि मर्द क्या है मतलब फहिशा औरत की तरह हमारी औरतों ने इजहार करने को गुर सीखना है हाँ गुर तो सीखना है ना अभी नहीं तो तलाक हो जाएगी आपको गुर सीखना है अगर आप नहीं ये जो है तलाक करने का एक सबब बनेगी सुनो नहीं सच वाला जी तैयार तो उसके जिस अब्दुल भाई एक सेकंड हम तो हंस रहे हैं लेकिन ये मैटर बहुत सीरियस है अब तो शर्म मतलब शर्म नॉर्मल आदमी इसको नहीं सुन सकता लेकिन हमें ये तो सुनाना पड़ेगा ना ये रियलिटी है ये बहुत शर्म की बात है एजुकेशन दी जा रही है भाई और वो भी जो है यानी जिसको नबी कहा गया है वो नबी जो है ये एजुकेशन दे रहा है ऐसे ऐसे करना है And Sachwala sir, I might beg to add, and Pasha sahab, I might beg to add, ये मैं जोड़ना चाहूँगा, बड़ी बड़ी मतलब मुझे एक चीज़ का दुख हो रहा है, इस पूरी वीडियो में अभी तक, मैंने जो एक चीज़ नोटिस की, वो शायद लोगों ने नहीं की, या किसी के दिमाग में आया भी होगा, तो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की, वो ये बात है, कि ये वीडियो कितना सेक्सिस्ट है। ये कितना सेक्सिस्ट वीडियो है सर ये आदमी जो है ये कितना अगर आप ये आदमी वेस्ट में खड़ा होकर इतनी बातें बोल दे तो इसको तो मतलब ऐसा कैंसिल करेंगे कि तो इसको डिपोर्ट कर देंगे सर हाउ सेक्सिस्ट दिस इज और कमाल की बात है कि ये अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा किताबों से ही बोल रहा है एग्जैक्टली और वो भी मुकद्दस किताबें जिन किताबों को जो है मुसलमान सारी दुनिया के मुसलमान अपने सीनों से लगाए फिरते हैं वहां से कोट कर रहे हैं जी चले मैं आगे चल सर कितना सेक्सिस्ट है ये अपने इजहार करती क्यों नहीं बता रही हो क्योंकि मर्द तराजी है तैयार है उसके जिस्मानी क्या कैसे पता चल जाता है औरत कैसे पता चलेंगे अब तक आप नहीं बताएंगे और इसमें कोई हया और बेहाई का तकाजा नहीं याद रखिए आपकी मोहब्बत और उल्फत है और इसको कहेंगे मोहब्बत की सबसे ऊंचाई याद रखिए जो मियां और बीवी के बीच में होती है तो आप भी अपनी रजामंदी का जरूर जो है अपने शौहर से इजहार करें ठीक है वरना अक्सर तलाकों की वजह यह बनती है कि बीवी शौहर का दावा है कि बीवी ने आज तक फला नहीं किया और फिर वो इल्ज़ाम लगाता है इसका सेक्स कमजोर है या इसकी कुव्वत बाह इसमें नहीं है और फला नहीं है और फला नहीं है तो वो सब तरफ मतलब शादियां टूटने का कोई और ख्याली इख्तिलाफ वाली बात हो ही नहीं सकती जी हाँ एग्जैक्टली देखें यहाँ एक बात याद रखें कुरान में वो जो बात आई है ना औरत को मारने की वक़रिबू हुन्ना उसके पीछे भी असल वजह यही है ये आयत शुरू ही हो रही है ये बताते हुए कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा मर्द जो है औरतों के ऊपर हाकिम हैं उनके ऊपर उनके ज़बरदस्त हैं और औरतें जो है उनकी ज़ेरदस्त हैं औरतें नीचे हैं मर्द ऊपर हैं अच्छा ये बात कहकर आगे जो है जिस तरह से बढ़ाया वहाँ जो बातें कही गई हैं وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وہ نیک بیبیاں وہ اچھی جو ہے عورتیں اچھی بیبیاں وہ ہیں جو وہ جو ہے بات کو سن لیتی ہیں سمجھ جاتی ہیں جیسا شوہر چاہتا ہے ایگزیکٹلی وہی کرتی ہیں وہ جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی تو یہ اچھی بیبی کی جو ہے ہونے کی جو ہے علامت ہے اچھی بیبی وہی ہوتی ہے جو اس طرح سے کرے ہے